जय हिंद। देखिए इस वीडियो में जानेंगे कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है और कौन ऐसा क्रोमोसोम होता है कि जिसका मिलने का सबसे ज्यादा अनुमान होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो मेल होता है यानी जो पुरुष होता है, पुरुष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और कौन कौन होता है? तो एक्स और वाई पाया जाता है। और जो फीमेल होती है यानी स्त्री, यानी जो स्त्री होती है, इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है? इसमें भी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। और कौन कौन सा पाया जाता है? तो केवल एक्स पाया जाता है। देखिए जो पुरुष रहेगा यानी आदमी जो रहेगा उसमें एक्स और वाई पाए जाते हैं, और जो महिला रहती है यानी स्त्री रहती है उसमें केवल एक्स एक्स पाया जाता है। अब देखिए इनमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए क्या है, यह है हमारा मेल है यानी ये पुरुष है, और है फीमेल है। कौन है? फीमेल यानी क्या है? स्त्री है। अब इन दोनों में कितना कितना पाया जाता है? तो 46 पाया जाता है, यानी 46 होता है, जिसमें जो पुरुष होता है उसमें एक्स और वाई होता है, और महिला में भी 46 होता है, तो जिसमें एक्स एक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है। अब देखिए इनमें दो भागों में बटा होता है, नहीं ये दो भागों में होता है। अब कैसे होता है तो देखिए यहाँ पे होता है क्या है, 44 और एक्स और वाई, और इसी में ऐसा भी होता है महिला में कि 44 और डबल एक्स, यानी ये दो भागों में होता है। और जो 44 होता है इसे हम कहते हैं आलोसोम कहते हैं। अब आलोसोम क्या करता है? तो हमारे शरीर का निर्माण करता है, हाथ पैर नाक कान का निर्माण कौन करता है? तो है 44 करता है। और जो है एक्स और वाई, जो एक्स एक्स होता है ये क्या करता है? ये लिंग का निर्धारण करता है कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। तो ये क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, और लड़की पैदा होगी या लड़का, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। लेकिन इसमें देखिए होता क्या है, अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, यानी हो गया 22 ठो एक्स और 22 ठो हो गया वाई, यानी देखिए 44 ठो है तो 22 ठो हम एक्स कर देते हैं और 22 ठो हम वाई कर देते हैं, ये मेल में यानी पुरुष में, और यही काम हम स्त्री में कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 22 ठो एक्स और यहाँ 22 ठो एक्स, यहाँ पे हो गया 22 ठो एक्स और 22 ठो एक्स, यानी कितना हो गया पूरा मिला के 46 ठो हो गया। अब देखिए जब इसका हम संकरण यानी क्रॉस करवाते हैं, यानी क्या करते हैं, क्रॉस करवा देते हैं, इसमें जब हम क्रॉस करवाते हैं तो इसका क्रॉस हम करवाएंगे इस एक्स से, तो कितना हो जाएगा 44 और एक्स एक्स है तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। ये पहला वाला का क्रॉस हो गया। अब फिर इसी का क्रॉस हम लास्ट वाले से करवा देते हैं यानी महिला के, तो इसमें हो जाता है 44 एक्स और एक्स हो जाता है। अब बचा वाई वाला, अब वाई का हम क्या करते हैं, एक्स में करवा देते हैं, तो कितना हो जाता है 44 एक्स और वाई हो जाता है। अब फिर इसी का हम एक्स में करवा देते हैं तो कितना हो जाता है 44 एक्स और वाई, क्या हो जाता है एक्स और वाई। तो देखिए इसमें क्या होता है, जिसके वंशज पैदा होते हैं यानी वंशज पैदा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 44 तो क्या है एक्स, यानी 46 इसमें क्या है एक्स है, तो ये कौन पैदा होगी, तो ये फीमेल पैदा होगी, क्या होगी फीमेल पैदा होगी। और रेहू में वही है तो ये भी क्या होगी फीमेल पैदा होगी, क्या होगी यानी दोनों को हम क्या मिला सकते हैं, तो दोनों में क्या होता है फीमेल पैदा होगी, क्या होगी फीमेल पैदा होगी, यानी जिसमें जिसमें एक्स रहेगा तो लड़की ही पैदा होगी। और इसमें देखिए एक्स और वाई है, और जब एक्स वाई मिलता है तो कौन पैदा होता है, तो लड़का पैदा होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे मेल होगा, यानी क्या होगा इसमें पुरुष होगा और यहाँ पे क्या होगी महिला होगी, क्या होगी महिला होगी। लेकिन देखिए जो एक्स का जो क्रोमोसोम होता है यानी जो एक्स के शुक्राणु होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत भारी होते हैं, और जो वाई का होता है ये क्या होता है, सुसरा बहुत हल्का होता है। अब मान लीजिए 50 कुंटल के एक एठो आदमी है और 5 कुंटल का है, 50 कुंटल वाला आदमी को आप कहिए कि भैया आपको जाना है 1 किलोमीटर दौड़ते,
अब बताए कौन तेजी से दौड़ेगा, वो 50 कुंटल वाला आदमी तेजी से दौड़ेगा या 5 कुंटल वाला तेजी से दौड़ेगा। तो जिसका शरीर हल्का होगा वही तो तेजी से दौड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा वजन अगर 50 किलो का है और कोई 80 किलो का है, अब आप कहिएगा कि आप दोनों लोग दौड़ो 1 किलोमीटर, तो सबसे पहले कौन पहुँचेगा? जिसका शरीर हल्का होगा वही क्या होगा, बहुत तेजी से पहुँच जाएगा, और जो भाई रहेगा हाँफता रह जाएगा वो। तो इसमें भी उसी तरह से होता है, जो यक्ष का जो क्रोमोजोम में जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो भारी होते हैं, जिसके कारण इसके मिलने का आशा थोड़ा कम होता है। लेकिन जो वाई का क्रोमोजोम होता है यानी इसके शुक्राणु होते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं और ये बहुत तेजी से जाते हैं। यानी जब स्त्री और पुरुष संबंध बनाते हैं तो जो उसमें से जो स्पर्म जाता है यानी, तो जिसमें अर्धसूत्री का विभाजन होता है, आधे आधे भाग में बट के जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पुरुष का यक्ष वाई चला जाएगा और महिला का दोनों यक्ष मिल जाएगा, तो पता नहीं कौन सा अनोखा लड़का पैदा हो जाएगा। देखिए अगर एक क्रोमोजोम अगर बेसी हो जाएगा ना, 46 अगर 47 हो जाएगा, तभी नए अंग को क्या करता है, विकसित कर देता है, उन छांगुर हो जाता है, उनका कनवर दूसरे मॉडल हो जाता है, किसी के पास पूंछ लग जाता है, किसी का आंखिया बैठ जाता है, क्या होता है आंखिया डबल हो जाता है, यानी क्या होता है नए अंग को विकसित करता है। अब कम हो जाता है तो क्या होता है, आदमी के शरीर में जो बनावट होता है कमी हो जाता है, चाहे लतवटी हो जाएगा, हथवा हो जाएगा, मुँह ऐसे हो जाएगा। यानी क्रोमोजोम अगर एक भी क्रोमोजोम ज़्यादा हो जाता है तो नए अंग को विकसित कर देगा, नए आँख बना देगा, छांगुर बना देगा, और कम रहेगा तो कुछ भी कर सकता है, हाथ और लूला कर देता है। यहाँ पे देखिए जब जो यक्ष का जो होता है शुक्राणु, ये क्या होते हैं, भारी होते हैं, जिस कारण जब दोनों लोग संबंध बनाते हैं तो निकलता तो ये भी है, यानी क्या होता है अर्धसूत्री का विभाजन होता है, यानी दोनों में आधा आधा जाता है। अगर पुरुष का अगर वाई जाएगा तो महिला का यक्ष मिलेगा, पुरुष का यक्ष जाएगा तो महिला में तो यक्ष होता है तो उसमें क्या होगा, यक्ष मिलेगा। लेकिन जो यक्ष होता है ये भारी होता है, जिस कारण वो तेजी से नहीं जा पाता, और जो वाई होता है इसको बहुत तेजी रहती का ताई ससुर हम ही सबसे पहले बहरे जाएंगे, ये क्या करता है बहुत तेजी से जाता है, जिस कारण आशा यही रहता है कि सबसे ज्यादा अगर क्रोमोजोम मिलता है तो किसका मिलता है, यही वाई वाला मिलता है। अब पुरुष में से अगर वाई चला गया और महिला का यक्ष मिल गया तो कौन पैदा हो जाएगा, तब लड़का पैदा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर 103 पुरुषों की संख्या है, यानी 103 पुरुष की संख्या है तो 100 महिला की संख्या, यानी 100 क्या है, महिला की संख्या है। और ये किस कारण है, तो इसी क्रोमोजोम के कारण है, यानी जो यक्ष होता है डबल एक्स मिलेगा तभी लड़की पैदा होगी, तो ये होता है थोड़ा भारी जिस कारण तुरंत नहीं मिल पाता है, और हई होता है हल्लू, ये तुरंत भागते भागते जाएगा, हचाक से क्या होता है घुस जाता है, जिस कारण क्या होता है मेल यानी पुरुष ज़्यादा पैदा होते हैं। तो ऐसे होता है लिंग का निर्धारण। अब सोचिए कि वहाँ पे जब कोई नहीं रहता है हमारे साथ, कुछ भी नहीं रहता, ना माँ ना बाप ना कोई मित्र ना कुछ भी रहता, मोटर गाड़ी कुछ भी नहीं रहता है, तब भी जो वाई वाला होता है बहुत तेजी से भाग के जाता है, और जब जन्म ले लेता है तब क्या करता है, अरे यार पता नहीं क्या कर ले आगे ले, मनो परेशान हो जाता है, अपनी जिंदगी से ही परेशान हो जाता है। और वहाँ पे कोई नहीं था तब बहुत तेजी से भाग के आया और आ जाके धरती पे पैदा हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जो वाई होता है ये हल्का होता है, जिसके कारण क्या होता है सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा होते हैं, ये तेजी से दौड़ता है, और जो यक्ष होता है क्या होता है थोड़ा भारी होता है, जिस कारण ये जल्दी से नहीं पहुँच पाता है। तो ये होता है लिंग का निर्धारण।